Alright, so hey guys, welcome back to another episode of GTA 5. And guys, अगर आपने last episode देखा होगा GTA 5 का, तो आपको याद होगा कि भाई फ्रैंकलिन ने भाई बहुत ही ज़्यादा hard work करके, मतलब भाई पहले वो burger बेचा करता था, बहुत सारे छोटे-छोटे काम करके उसने भाई पैसे collect करे थे. And guys, उन पैसों से यार इसने अपनी dream car खरीद ली, जो कि sports car है, Mustang GT Shell भाई. And guys, अगर यार आपने अभी तक वाला episode नहीं देखा, तो भाई क्या कर और उस वाले एपिसोड को जाके देख लो. उस वाले वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो गाइस, उस वाली वीडियो को एक बार जोर से चेक आउट कर लेना. एंड गाइस, सबसे पहले मैं भाई टीवी को बंद कर देता हूं, बिकॉज़ यार यहां पे हमारा बिल वेस्ट हो रहा है, ठीक है, बिजली वेस्ट हो रही है. एंड गाइस, आज का दिन यार फ्रैंकलिन के लिए उससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज़ यार 2 दिन पहले यार हमने कार खरीदी. एंड गाइस, तुम अभी का टाइम देखो भाई, तो मैं अभी रात हो रही है. एंड गाइस, जस्ट मुझे अभी 5 मिनट पहले लेस्टर की कॉल आई थी. एंड गाइस, उसने मुझे बताया कि भाई हमारे लॉस सैंटोस में एक कंपटीशन होने वाला है स्पोर्ट्स कार का, जहां पे भाई बहुत सारी स्पोर्ट्स कार यार मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है. एंड गाइस, वहां पे एक रेस होने वाली है. एंड जो भाई रेस, उस वाली रेस को जीतेगा ना, उसे भाई बहुत ही ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, लाइक $10,000 के अराउंड मिलेंगे, जो कि यार फ्रैंकलिन के लिए बहुत ही अच्छा मौका है. एंड गाइस, इस अपॉर्चुनिटी को हम गवा नहीं सकते. एंड मतलब भाई रेस तो होने वाली है, बट गाइस अपनी कार भी कुछ कम नहीं है भाई, मस्टैंग नाम है कार का. बट गाइस, वहां पे यार लेस्टर ने मुझे बताया था कि और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स कार एंड मसल्स कार आने वाली हैं, तो गाइस हमें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है उन हराने में. बट गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 2 दिन पहले मैंने मस्टैंग को खरीदा था. एंड गाइस, मैंने सोचा था कि भाई उस वाली कार में भी हमें नाइट्रो भी लगवाना है एंड कलर भी चेंज करवाना है, मतलब भाई टायर वायर बहुत सारी चीजें कस्टमाइज करवानी है, मुझे भाई मॉडिफाई भी करवानी थी अपनी मस्टैंग को. बट गाइस, यहां पे मुझे टाइम नहीं मिल रहा. तो गाइस, हम सोच रहे हैं क्यों ना भाई एक बार जाके भाई देखते हैं. बट चलो कोई नहीं, अभी तुम देख रहे हो अभी रात हो रही है, तो भाई हमारे पास 1-2 घंटे बचे हैं. तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई ये जो घर है तुम देख रहे हो भाई, कितना गंदा घर है. एंड गाइस, यहां पे कोई गैराज भी नहीं था कार को पार्क करने के लिए. तो गाइस, फ्रैंकलिन ने अपने दूसरे वाले घर पे मस्टैंग को पार्क करके रखा हुआ है. तो गाइस, चलो यार चलते हैं. बट यार, सबसे पहले यार हम अपनी टैक्सी बुक कर लेते हैं, बिकॉज़ यार ओके, तो यहां टोनिया का मैसेज आया. ओके, अभी बस आ ही रहा हूं. एंड गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अभी जो हमारी साइकिल थी भाई, वो भी हमने सेल कर दिया, बिकॉज़ हमारे पास पैसे की कमी हो चुकी थी. एंड जो मस्टैंग है हमारे दूसरे वाले घर पे खड़ी है फ्रैंकलिन की, तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अभी हमारे पास ना कार है ना साइकिल है, मतलब भाई कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है लॉस सैंटोस में जाने के लिए. तो सबसे पहले मैं अपनी भाई टैक्सी बुक करने वाला हूं, ठीक है, ताकि हम जा सके. एंड यहां पे हम डाउनटाउन कैब को बुक करेंगे एंड इसको हम कॉल करते हैं. ओके, तो गाइस यहां पे हमारी कैब भी रेडी है. एंड गाइस, 5 मिनट के अंदर हमारी कैब भी आने वाली है. बट गाइस, सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स वाले अपने कपड़े पहन लेता हूं, ठीक है, कि मतलब हां भाई लगे कि भाई हम भी जा रहे हैं रेस में पार्टिसिपेट करने, ठीक है, मतलब एक अलग सी फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, कोई छोटी मोटी रेस नहीं होने वाली, लॉस सैंटोस कब तक का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, ठीक है. एंड इसकी जो एंट्री फीस होने वाली लाइक $500 के अराउंड होने वाली है, जो कि यार बहुत ही बड़ा प्राइस है, ठीक है. तो सबसे पहले अपने मैं कपड़े पहन लेता हूं. एंड गाइस, यहां पे हमने भाई अपने रेस वाले आउटफिट को पहन लिया. यार भाई फ्रैंकलिन को देख के भाई लग ही नहीं रहा कि भाई फ्रैंकलिन है भाई, वो मतलब ज्यादा यार इतना ही ज्यादा भाई ऑसम लग रहा है यहां पे. एंड गाइस, भाई मैं सच बताऊं तो भाई फ्रैंकलिन के ऊपर ही भाई ये वाला आउटफिट बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है. एंड भाई इसे देखने के बाद तुम भी कहोगे भाई मतलब क्या ही लग रहा है फ्रैंकलिन हमारा, तुम ये देखो, मतलब भाई लिटरली भाई तुम इसके ग्लासेस देखो, ऊपर का आउटफिट देखो भाई, ओ भाई मतलब भाई क्या ही पेयर बनाया है फ्रैंकलिन ने, ठीक है, मतलब भाई आज के दिन यार भाई फ्रैंकलिन को देख के भाई सारी लड़कियां फिदा होने वाली हैं. तो गाइस, फ्रैंकलिन के लिए यार बहुत ही ज्यादा मतलब भाई दिन खतरनाक होने वाला है. तो यार चलो यार जल्दी चलते हैं अपनी कैब में एंड चलते हैं अपने दूसरे वाले घर पे. तो गाइस, फ्रैंकलिन आ चुका है अपने दूसरे वाले घर पे. एंड गाइस, यहां पे हमने भाई कैब करी थी एंड कैब वाले ने हमें यहां उतार दिया था. एंड गाइस, अब इस वाले घर को तो अच्छे से पहचानते होंगे, जहां पे यार फ्रैंकलिन रहता था. एंड ये घर लॉस सैंटोस के अंदर है, बट गाइस अभी भी यार फ्रैंकलिन का उतना अच्छा घर नहीं है जितना होना चाहिए. एंड भाई सबसे पहले अब तुम देखो भाई मौसम देखो, मतलब भाई सुबह होने वाली है. एंड गाइस, रेस स्टार्ट होने वाली है. बट यार मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम माइकल को ले लेते हैं, बिकॉज़ यार माइकल को भी बहुत अच्छी लगती है रेस वाली चीजें, ठीक है. तो यार मैं सबसे पहले उसे कॉल कर देता हूं एंड उसे बोल देता हूं कि भाई तू रेडी हो जा, मैं तुझे उसे पिक करने आ रहा हूं. एंड आज हम जाने वाले हैं एक रेस पे, ठीक है. तो सबसे पहले अपने माइकल को कॉल कर देते हैं. एंड यहां पे अपनी भाई तुम भाई हमारी कार देखो भाई क्या ही लग रही है. Hey Michael, it's me man. You doing anything? You want to hang out? Yeah, cool. Cool, I'm coming by.
तो गाइस यहाँ पे भाई माइकल भी रेडी हो रहा है। एंड गाइस सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी कार दिखाता हूँ। एंड भाई तुम कार देखो यार, तुम्हें लग रहा हो कि भाई मैंने कार में कुछ चेंजिंग करवाया है। तो हाँ गाइस यार, मैं आ रहा था रास्ते में, तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना यार हल्की सी थोड़ी यार मॉडिफिकेशन हो जाए। तो तुम भाई ऊपर से देख सकते हो जो स्ट्रिप हैं ब्लू कलर के, ये मैंने लगवाए थे। बट यार बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल की हमारी कार लग रही है। एंड गाइस अभी तक मैंने कार का यूज़ भी नहीं करा है, बस मैं लेकर आया था कार को भाई वहाँ से शोरूम से। एंड अभी तक भाई गैराज में रखी हुई थी ये कार। एंड बस मैं इसकी आवाज़ सुनो, ओ भाई लिटरली यार क्या ही हमारी कार लग रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की। एंड भाई तुम अंदर का इंटीरियर देखो एक बार, ओ भाई लिटरली यार भाई क्या ही तबाही लग रही है अंदर की सीट। एंड ऊपर का जो भाई क्या ही बोलूँ यार, भाई नेक्स्ट लेवल पूरा यहाँ पे हमारा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं एंड उसको पिक करते हैं, लग रहा है। तो गाइस सबसे पहले चलो चलते हैं माइकल के पास एंड उसे पिक कर लेते हैं। एंड भाई यहाँ पे हम चलते हैं, ओ भाई लिटरली यार भाई बंदे भी देख के कह रहे होंगे भाई कौन सी ये कार है भाई, लॉस सेंटोस में कौन ले आया इस वाली मस्टैंग को। ठीक है, एंड हम चलते हैं जल्दी जल्दी माइकल के पास। एंड गैस तुम देख सकते हो सुबह भी हो चुकी है। एंड गैस ये रहा माइकल, एंड यहीं पे कहीं होना चाहिए। एंड माइकल भाई कहाँ पे है तू? ओके तो गैस ये रहा हमारा माइकल एंड इसे बुलाते हैं। हो भाई लिटरली, अरे भाई एक ही कपड़े पहन के क्यों घूमता रहा था, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, एंड भाई जल्दी बैठ जा, हम चलते हैं रेस पे। एंड सबसे पहले मैं इसे बता देता हूँ हम कहाँ पे जा रहे हैं, वरना भाई जाके बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भी हो सकता है इसका रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे बता देता हूँ। तो गाइस मेरी और माइकल से बात हो चुकी है कि भाई हम एक रेस कंपटीशन में जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलो और चलते हैं एंड अपने रेस की जहाँ पे रेस होने वाली है एंड वहाँ पे पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो चलो जल्दी से जल्दी चलते हैं। एंड गैस तुम यहाँ पे देख सकते हो मतलब भाई एक घंटे की ड्राइविंग करते करते हम आ चुके हैं लॉस सेंटोस से बाहर। एंड भाई ये कोई यार मुझे विलेज सा लग रहा है, एंड पता नहीं कौन सी ये वाली जगह है, बट गैस यहाँ पे हमें आना था। एंड यहीं कहीं आसपास भाई रेस का इवेंट होने वाला है। एंड चलो यार सबसे पहले वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पे भाई रेस का इवेंट होने वाला है। एंड गैस लेस्टर ने मुझे बताया था कि भाई यहीं पे कहीं होने वाला है। एंड गैस जहाँ पे यार रेस होने वाली थी हम उस वाले डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है एंड गैस जहाँ पे रेस होने वाली थी हम उस वाले डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। एंड जहाँ तक यार मुझे लगता है कि बाकी जो सारे कॉन्टेस्टेंट हैं वो अभी आ रहे हैं। ठीक है, एंड यार हम बहुत पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, कितनी लैप्स होने वाली हैं, कौन कौन सी कार्स आने वाली हैं। भाई मैं तो यार बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा हूँ कि भाई हमारी पहली रेस होने वाली है एंड फ्रैंकलिन की भी, एंड भाई साथ में भाई ये माइकल भी है। ठीक है, तो यार मतलब आप समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं रेस के बारे में। एंड गैस यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि भाई यहाँ पे हमारी रेस में तीन लैप्स होने वाले हैं एंड भाई सिक्स या तो। एंड भाई तुम देख ही सकते हो यार कितनी ज़्यादा ओपी लेवल की यहाँ पे कार्स हैं, मतलब भाई तुम्हें सारी कार्स यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड गैस आपको मैं बता दूँ कि भाई इन वाली कार को हल्के में मत लेना, ये जो कार है दिख ऐसी रही है बट यार आपको मैं बता दूँ कि भाई ये जो कार है भाई पहले से ही मॉडिफाइड है। एंड भाई यार क्या ही मेरे साथ हो रहा है, वो भाई लिटरली यार भाई मेरे से आगे कैसे निकलने भाई, हमारे पास तो मस्टैंग है। ओ भाई लिटरली यार, ओ भाई यार ग्रीन वाला यार बहुत ही तेज चल रहा है एंड मुझे उससे आगे निकलना होगा कैसे भी कैसे करके, वरना भाई हम रेस को हार सकते हैं। और यार शिट, मतलब भाई फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, ओ माय गॉड भाई ये तो यार बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है हमारी।